हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एसपी कुकिंग एंड ब्लॉग्स। आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली। सारे इंग्रेडिएंट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चना का सुंदल बनाने के लिए मैं ये चना को भिगो के रखा था पूरी रात। थोड़ा सा नमक के साथ मैं इसको 2 सीटी लगा दूंगी प्रेशर कुकर में। अब लेती हूँ मैं कढ़ाई, इसमें डालेंगे ऑयल, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे राई, मस्टर्ड सीड्स, उड़द दाल, जिंजर, और थोड़ा सा 1 मिनट तक भून लेंगे लो फ्लेम में। करी पत्ता और ग्रीन चिली, इसमें डालेंगे उबला हुआ चना, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 2 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट नारियल, इसको मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक पकने देंगे। हमारा चना सुंदर अब तैयार है। अब बनाते हैं ओट्स का खीर। कढ़ाई गरम कर रही हूँ, इसमें डालूंगी घी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे और उसको निकाल देंगे प्लेट में। इसमें डालेंगे ओट्स, इसको थोड़ा सा भून के इसमें डालेंगे मिल्क, इसको मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। इसमें डालेंगे 2 इलायची और जागीरी, गुड, आप चाहे तो चीनी का भी यूज कर सकते हैं। अब ये ठीक हो चुका है, इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ये खीर सबसे जल्दी बन जाता है और बहुत हेल्दी भी है। अब बनाते हैं आलू की सब्जी। मैंने लिया है कढ़ाई, इसमें डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, इसमें डालेंगे जीरा, करी पत्ता और ग्रीन चिली। यहाँ पे मैं उबला हुआ आलू डाल रही हूँ, इसको डायरेक्ट ऐसे या फिर थोड़ा मैश करके डालिए। इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे डालेंगे पानी और इसको 2 मिनट तक पकने देंगे।
मैं एक बाउल में कॉर्न ले रही हूँ, इसमें डालेंगे रेड चिली और नमक और मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा गैस बंद कर देंगे और ये दही मिक्स कर लेंगे। दही आलू की सब्जी भी बन गई है। अब बनाते हैं पोहा और आलू का चिल्ला। पोहा को सोख कर लूँगी पानी में आधा घंटा तक और आलू को ग्रेट कर लेते हैं। अच्छे से वॉश करके स्क्वीज करके आलू को लीजिए। डालेंगे पोहा स्क्वीज करके, फिर डालेंगे अदरक, ग्रीन चिली, करी पत्ता, थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड पिंक सॉल्ट। इसको सब मिला के अच्छे से मैश कर लेंगे। तो चलिए चिल्ला बनाते हैं। कढ़ाई गर्म होने के बाद थोड़ा ऑयल ब्रश कर लीजिए या फिर घी। इसमें ये थोड़ा 1-2 स्पून लेके इसे स्प्रेड कर लेंगे। लो टू मीडियम हीट में इसको 2-3 मिनट तक पकने देंगे, ब्राउन होने तक। कवर कर लेते हैं। दूसरा साइड भी पका लेते हैं। हमारा आलू और पोहा का चिल्ला तैयार है। अब बनाते हैं नेक्स्ट रेसिपी साबूदाना का। साबूदाना मैंने भिगो के रखा था 1 घंटा पहले। इसको ग्राइंडिंग कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डाल के मिक्स कर लेते हैं। हमारा बैटर तैयार है। चलिए डोसा बनाते हैं। इसको मीडियम हीट में कवर कर लेंगे 2 मिनट तक और पलट देंगे। यहाँ पे मैं छोटा छोटा बना रही हूँ, आप चाहे तो एकदम पराठा साइज का बना सकते हैं। हमारा साबूदाना का डोसा भी रेडी हो गया, चलिए सर्व करते हैं। ये रही आलू पोहा का चिल्ला और साबूदाना का डोसा, आलू की सब्जी, ओट्स खीर। चना सुंदर, लास्ट में थोड़ा फ्रूट ऐड कर लेते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।